एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल बी अ स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ जो है शैनवन फैन फिक्शन का द ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट हमने देखा था कि जो लेंचरन होता है वो उनसे मिलने जियांग सेक से जियांग फेंगम्या अपने दो बच्चों के साथ वहाँ आते हैं। तभी वहाँ पर जो लेंचरन होता है वो उनको अपने पूरे लैंड सेक्ट के साथ बो करता है और उनका अभिनंदन करता है। और जियांग फेंगम्या भी लेंचरन लेंचरचन को बो करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं। लेंचरन भी वो जियांग को जियांग से इंट्रोड्यूस कराता है। लेंचरन जो है वो इंट्रोडक्शन देखता है कि सेक लीडर जियांग ये वी वुजियान है। ये वी चांग से और कांग से सुरन का बेटा है। वी वुजियान उनको बो करता है और उसका हार्ट जो है वो जियांग फेंगम्या का कहीं ना कहीं पिघल जाता है वी वुजियान की टूटी सी स्माइल देख के, क्योंकि उसकी बनी स्माइल ना बहुत क्यूट होती है और वो उसकी मदर की तरह रिजम्बल करती है। उसकी मम्मी की स्माइल भी बिल्कुल ऐसी थी। जियांग फेंगम्या वो जो कि वी वुजियान को इतने टाइम से सर्च कर रहे थे उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद, उन्हें वी वुजियान कहीं नहीं मिलता अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद। तब जियांग फेंगम्या वी वुजियान के शोल्डर को प्रेस करते हुए बोलते हैं, तुम्हारे फादर वी चांग से और तुम्हारी मदर कांग से सरन जो थी बहुत क्लोज फ्रेंड थे मेरे। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की पर मुझे तुम कहीं नहीं मिले। मुझे नहीं पता था कि लेंचरन तुम्हें गुसु के लेंस एक्ट में ले आया है। वी वुजियान, क्या तुम मेरे साथ एनमंग जियांग सेक्ट चलोगे? मैं तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता हूँ एज माई थर्ड चाइल्ड। वी वुजियान का हर्ट एकदम से पिघल जाता है। वो सूदिंग से वर्ड सुन के कि सेक्ट लीडर जियांग उसे अडॉप्ट करना चाहते थे। और पहले वो यिलिंग की सड़कों पर मारा मारा फिरता था और अपने आप को कुत्तों से बचाता था। उसे फैमिली की वॉर्म्थ की कितनी ज़्यादा क्रेविंग होती थी। और जियांग फेंगम्या यहाँ उसे रेडी थे अडॉप्ट करने के लिए एज अ सन, यानी कि अपने बेटे की तरह। लवांगजी का हार्ट जो है ना वो एकदम से दुख में डूब जाता है सुनने के बाद। लवांगजी जो है वो बेचारा रोने ही वाला होता है पर वो जैसे तैसे ना खुद को कंपोज कर लेता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वी वुजियान जाएगा? देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए, लवांगजी जो है उसका दिल बहुत ज़्यादा दुख में होता है ये बात सुनने के बाद। और लेंचरन जो है वो वरिड हो जाते हैं लवांगजी को लेके। लेंचरन भी देखते हैं कि उनका जो भाई है ना वो एकदम दुख में लीन हो चुका है। लवांगजी जो है वो बस बेचारा रोने ही वाला होता है। बट वी वुजियान जो है ना अपने बेस्ट फ्रेंड का हाथ जोर से पकड़ लेता है। वी वुजियान रिप्लाई करता है जियांग फेंगम्या को, थैंक यू अंकल, पर मेरा बेस्ट फ्रेंड लंजा है ना, मैं उसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। मैंने लंजा को प्रॉमिस किया था मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा, बट अंकल मैं युनमक आया करूँगा और वहाँ पर आप सबसे मिलने लंजा के साथ ज़रूर आऊँगा। जियांग फेंगम्या जो है वो एक सैड स्माइल देते हैं वी वुजियान को और वो इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी बेटी, बड़ी बेटी जियांग यानली को और छोटे बेटे जंगछा को वी वुजियान से। और वी वुजियान उन्हें एक स्माइल देता है। जियांग यानली वी वुजियान के चीक्स को सरहराते हुए कहती है, ये मेरा छोटा भाई है। तो वी वुजियान भी एक स्माइल देते हुए कहती है, हाँ, वी वुजियान भी एक स्माइल देते हुए कहता है, क्या मैं आपको शिजे बुला सकता हूँ? जियांग यानली सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ। जंगछा भी हक कर देता है वी वुजियान को और कहता है, वी गग। लंजा जो है वो बहुत जेलसी फील करता है जंगछा के वी वुजियान को हक करने पे। जंगछा जो है ज़ोर से वी वुजियान की बाजुओं को पकड़ लेता है। जंगछा जैसे ही वो हक ख़त्म करके अब साइड होता है तभी एकदम से वो वी वुजियान का हाथ जो है खींच लेता है और उसे खेलने के लिए बोलता है। वी वुजियान जो है वो लवांगजी का हाथ पकड़ता है अपने दूसरे हाथ से और वो सारे के सारे माउंटेन में खेलने की तरफ भाग जाते हैं। लेंचरन
और जियांग यानली भी उन लोगों को पीछे पीछे फॉलो करते हैं। वांग जी जो है वो एक सेकंड के लिए भी विभुजन का हाथ नहीं छोड़ता। इस बीच विभुजन तो जैसे सैंडविच की तरह उन दोनों में पीसा चला जा रहा था। एक तरफ जंगचा था, एक तरफ वांग जी। हमारा जंगचा जो है वो ट्री पे चढ़ता है, विभुजन भी चढ़ना चाहता होता है, लेकिन वांग जी की वजह से वो बेचारा नहीं कर पाता। लैन चुचैन धीरे से लवांग जी के कान में कहते हैं, वांग जी प्लीज़ वी गोंजी का हाथ जाने दो, उन्हें खेलने दो जियांग गोंजी के साथ। लेकिन लवांग जी सिर हिला देता है। वी भुजन किस करता है लंजा के चीक्स को और कहता है, लंजा तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं? प्लीज़ मुझे मेरे शिरडी के साथ खेलने दो। लवांग जी जो है उसे कंफर्टेबल फील होता था विभुजन के चिक्कीस से, और वो जानता था जैसे ही विभुजन उसे चिक्कीस कर देता है वो पिघल जाता है। हमारा लंजा बस इसी एक्ट से पिघल जाता है और वो इमिडिएटली उसका हाथ जाने देता है। जंगचा जोर से हंसता है विभुजन पर, कहता है, वी गगा आपने लैंग गोंगजी के चीक्स पे तो किस कर दिया, बट वी गगा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और मेरे चिक्स को भी किस करें, क्योंकि मैं भी तो आपका शेडी हूँ। विभुजन जो है स्माइल करता है और जंगचा को जंगचा के चीक्स पे किस कर देता है। लवांग जी तो जैसे गुस्से में पागल ही हो गया था और उसे इतनी जलन हो रही थी, वो जंगचा को ज़ोर से हिट कर देता है जो कि ग्राउंड पे जाके गिरता है। वांग जी इमिडिएटली विभुजन की चेस्ट को ज़ोर से टाइटली हक कर लेता है। लैन चुचैन लंजा को डांटते हैं और कहते हैं, मतलब उसके इतने बुरे बिहेवियर के लिए, वांग जी तुमने जियांग गोंगजी को पुश क्यों किया? लैन चुचैन उसे कहते हैं कि मतलब लैन चुचैन सॉरी जंगचा से माफ़ी मांगते हैं लवांग जी के बिहेवियर के लिए। लवांग जी और जियांग यानली जंगचा को सपोर्ट करते हैं खड़े होने में। विभुजन भी बेचारा प्लीटेड आइज से उसे माफ़ी के लिए पूछता है। जंगचा जो है उसका मन कर रहा था कि वो वांग जी को भी हिट करे, लेकिन विभुजन बीच में आ जाता है और लवांग जी का हिट वो अपने ऊपर ले लेता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड जो कि उसके लिए इतना पोजेसिव है उसे बचा लेता है। विभुजन जोर से चिल्लाता है जंगचा को, आ शिडी लंजा बस पोजेसिव है, उसे हर्ट मत करो, वो मेरा क्यूट लिटिल फ्रेंड है और मैं उसकी साइड से माफ़ी मांगता हूँ। लवांग जी जो है अपनी आँख डर के मारे क्लोज कर लेता है, लेकिन वो विभुजन को अभी भी हक किए हुए था। विभुजन जो है अपने बेस्ट फ्रेंड की कमर को धीरे से जो है रब करते हैं और उसे सूद करते हैं और कहते हैं, लंजा डोंट वरी मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा, लंजा आँखें खोलो। फिर विभुजन जो है वो अपने बेस्ट फ्रेंड को फोरहेड पे किस करता है। लवांग जी भी सिर हिला देता है, लेकिन वो सॉरी नहीं कहता जंगचा को क्योंकि वो जिद्दी है। विभुजन सॉफ्टली कहता है लंजा से, माय ब्यूटीफुल लंजा तुमने गलत किया है जंगचा के साथ, तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी। जंगचा जो है अपना सिर फिर से जिद में हिला देता है कि नहीं। विभुजन उसके अपने बेस्ट फ्रेंड के गाल को सहलाता हुआ कहता है, लंजा ये कितनी बुरी बात है, अगर तुम किसी दूसरे पर्सन को बिना किसी रीज़न के लिए डिसरेस्पेक्ट करते हो या हिट करते हो, प्लीज़ मेरे शेडी को, मेरा जो शेडी है उसे बुली मत करो। लवांग जी जो है पाउट करता है और रिफ्यूज़ कर देता है किसी से भी बोलने से। तभी वो विभुजन को भी मना कर देता है उससे बात करने से, बट तभी के तभी वो विभुजन को हक करे रखता है। वो एक सेकंड के लिए भी विभुजन को नहीं जाने देता। वो पाउट भी करता है, चिढ़ भी जाता है, लेकिन विभुजन को तो अपने पास से बिल्कुल नहीं जाने देता। जंगचा जो है वो विभुजन को सॉरी कहता है कि लवांग जी की जगह उसने विभुजन को हिट कर दिया था। विभुजन एक स्माइल देते हुए उसकी अपॉलोजी को ले लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं उनका बेस्ट फ्रेंड कितना मूडी है। जंगचा जो है वो विभुजन की बैक को हक करता है। तभी लवांग जी ज़ोर से चिल्लाता है, वी को हक मत करो, विंग सिर्फ मेरा है। सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं लवांग जी की ये बातें सुनकर, जो कि विभुजन की चेस्ट से अभी भी चिपका हुआ था। वो एक सेकंड के लिए भी उसे नहीं जाने देता और वो इवन किसी को भी अपने बेस्ट फ्रेंड को टच नहीं करने देता।
पुअर बी, उसकी इतनी एम्बेरसमेंट हो रही होती है। वो लंजा को कहता है, लंजा जैसे मैं तुम्हारा शेडी हूँ, तुमसे छोटा हूँ, वैसे ही जंगचा भी मेरा शेडी है, प्लीज़ उससे इतने हार्श मत हो। तब लवांग जी कहता है, विंग मेरा शेडी नहीं है, विंग सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। विंग सिर हिलाते हुए एक स्माइल देता है और सांस छोड़ते हुए भी भुजान जो है वो उन दोनों के बीच में जो है बैठा होता है जब वो खेल रहे होते हैं। लवांग जी तो एक सेकंड के लिए भी विंग को नहीं छोड़ता। जंगचा जो है वो उसके साथ खेलता है और उसे एक गुड बाय किस करता है विभूषण के चीक्स पे और भाग जाता है। वो अपना रिवेंज लेता है प्रीवियस पुश का जो उसे लवांग जी ने किया था। लवांग जी जो है विभूषण की चेस्ट पे अपने छोटे छोटे मुक्कों से मारता है और वो बहुत क्यूट लग रहा होता है, एक एंग्री बेबी की तरह। विभूषण हंसता है, लहन शिजन भी स्माइल करते हैं लंजा को इस तरह जेलसी मतलब जलन में जलता भूलता देखकर, क्योंकि जंगचा और जियांग याली ने जो है जंगचा ने तो किस किया था वी भुजान के चीक्स पे और भाग गया था और जियांग याली पे वी भुजान के फोरहेड पे किस करती है। लवांग जी को तो जैसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी अटेंशन ना वी भुजान से ये सारे दोनों बहन भाई ही चुरा लेंगे। वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं। लवांग जी जो है तब भी वी भुजान को हक करे रखता है और बेड टाइम तक उसे हग करे रखता है एक कॉलर बियर की तरह। और लवांग जी जो है वो और भी ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है विभूषण को लेके। वो अपना बेस्ट देता है क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ उसे बिलोंग करता था। वो बिल्कुल भी विभूषण को कहीं नहीं जाने देता सिंगल सेकंड के लिए भी। विभूषण भी बहुत इंजॉय करता है उसकी ये पॉसेसिवनेस और उसे अच्छा लगता था कि लंजा उसे ऐसे ट्रीट करता था। फिर कुछ दिन बाद एक स्वीट मॉर्निंग होती है और बहुत ज़्यादा मिल्की सी स्नो वाइट गिर रही होती है, स्नो फॉल होता है और सन जो है वो कहीं ना कहीं बादलों के पीछे छुपा होता है। यहाँ बहुत ठंड थी क्लाउडलेस, उसमें बर्ड जो है वो आसमान में करहरा रहे थे। ये टाइम वी भुजान बचा रहा, जो कि जिसे गर्मियों की आदत थी उसे इस विंटर सीज़न की आदत नहीं थी। लंजा को टाइटली बेड में हक करे रखता है और यहाँ पर रोल रिवर्स हो जाता है, हमेशा लंजा उसे हक किया करता था, आज ठंड के मारे विभूषण जो है उसे हक करे रखता है। वो विभूषण की बैक को रब करता है और उसके लिए एक फॉक सॉन्ग गाता है। लंजा की आवाज़ बहुत प्यारी लग रही होती है जब वो फॉक सॉन्ग गाता है अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए और उसकी वॉइस इतना सूदिंग होती है कि विभूषण के माइंड को और सोल को बहुत ज़्यादा शांति दे रही होती है। विभूषण लंजा का सैंडलवुड स्मेल सेंट स्मेल कर रहा होता है और ख़ुद को शांत करता है। लवांग जी जो है विभूषण के हेड को किस करता है। विभूषण हंस रहा होता है लवांग जी की चेस्ट पे और विसल कर रहा होता है लवांग जी के उस फॉक सॉन्ग को। तभी उनका ड्यूएट इतना प्यारा लगता है ना, लवांग जी की आवाज़ और विंग की सीटी बिल्कुल उस गाने को मैच करती हुई। लहन शिजन जिंगशिम में आते हैं और देखते हैं कि लवांग जी जो कि उनका भाई है वो बिजी है विभूषण को प्यार करने में, उसे कडल करने में, और कोल्ड की वजह से जो विभूषण इतना कांप रहा था वो उसकी बाहों में आराम से ऐसे प्यार से लेटा हुआ है। लहन शिजन ये टाइम देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है कि पहली बार उसका भाई किसी के लिए फोक सॉन्ग गुनगुना रहा है। लवांग जी जो है रिजम्बल करता था बिल्कुल मैडम लैन की तरह, यानी कि उनकी मदर की तरह, और वो विभूषण के बैक को ऐसे थप्पी दे रहा था और उसे इतना वार्म दे रहा था। लहन शिजन को बहुत अच्छा लगता है उसका गेयर ब्रदर, जिसके लिए वो इतना वरिड होता था, आज वो इतना क्लोज है विभूषण से। लवांग जी एक गेयर था, वो जल्दी ही फीमेल फीचर्स को उसकी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी, लेकिन लवांग जी के लिए मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है आगे चल के विभूषण से अलग होना। इसके बावजूद भी लवांग जी एक दिन किसी ना किसी की वाइफ होगा। लवांग जी की बॉडी मेल और फीमेल के फीचर दोनों थे। लहन शिजन को बहुत ज़्यादा डर लगता है अपने बेबी ब्रदर के लिए, अगर वो विभूषण से इतना अटैच हो गया और वो एक फीमेल और गेयर दोनों हैं, तो उसे कल को बहुत ज़्यादा दुख होगा जब विभूषण से उसे अलग होकर कहीं और शादी करनी होगी।
लैन चिचन जो है वो अपने नेगेटिव थॉट को एक साइड रख के जिंगशी में एंटर होता है, उसके रूम में एंटर होता है। विभीषण उसे ग्रीट करता है और लवांगची भी। विभीषण कहता है, लान दगा आप कैसे हैं। तभी लैन चिचन उसके चीक्स को रब करते हुए और लवांग जी जो कि किसी के भी टच को सिवाय विभीषण के अलाउड नहीं करता था, वो कहते हैं, लैन चिचन वी से विभीषण से वी गोंग सी मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं। तभी वो कहते हैं, लैन दगा मैं भी ठीक हूँ दागे, इट्स टू कोल्ड कितनी ठंड है, मैं बस लंजा को हक करे रखना चाहता हूँ, मेरे हाथ और मेरे पैर तो जैसे जम ही गए हों ठंड की वजह से। और वो अपने लाल हाथ लैन चिचन को दिखाता है। लैन चिचन हंसने लगता है विभीषण के छोटे से बेबी गेस्चर से। लैन चिचन जो है वो विभीषण के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है और दोनों के दोनों गिगल करते हैं। और लवांग जी फिर से जलन महसूस करता है, उसके चीक्स जो हैं लाल होने लगते हैं क्योंकि वो पोजेसिव हो गया था। विभीषण देखता है लवांग जी पाउट करे हुए था और जलन जेलस था। विभीषण इमिडिएटली बेबी लवांग जी के दोनों चीक्स को किस कर लेता है। वो जानता था लवांग जी इस एंगल से जैसे ही वो जब भी वो लवांग जी के चीक्स को किस करता है लवांग जी पिघल जाता है। लवांग जी ब्लश करने लगता है और हक कर लेता है विभीषण को। लवांग जी एक ब्लाइंड था लेकिन वो बहुत पसंद करता था अपने बेस्ट फ्रेंड के टच को। विभूषण जो है वो लंजा की देख रेख बहुत अच्छे से करता था। वो जानता था लंजा के गुस्से को कैसे डील करना है। वो जानता था लंजा को बस उसके चीक्स पे दो किस कर दो तो उसका जो डर है ना अपने मन ही मन या उसकी जो जलन उसके अंदर है वो ख़त्म हो जाएगी। वो लैन चिचन से बात करता है अपनी युनमक के ट्रिप को लेकर कि वो अपने फादर के होम टाउन जाना चाहता है। लैन चिचन भी अश्योर करते हैं कि वो लैन क्लैन से परमिशन लेंगे और जब भी वहाँ कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो वो अंकल के साथ युनमक जियांगसेक ज़रूर जाएंगे। विभूषण उन्हें कहता है कि वो अपनी स्वर्ड प्रैक्टिस और फ्लूट ट्रिक्स भी जो है उसने नई इजाद की है। वो कहता है, धागे मैं आपको मेरी न्यू ट्रिक्स दिखाता हूँ। वो विसल करता है और नियर बाय ट्री से बहुत सारी लीव्स जो हैं रिस्पॉन्ड में विसलिंग साउंड सुनती हैं और वो उन्हें वुडल स्वर्ड से अपने नए जो है मूव्स दिखाता है जो कि उसकी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छे थे। लैन चिचन अमेज रह जाते हैं कि वो वुडन स्वर्ड से इतने अच्छे मूव इतने छोटे हाथों से कैसे कर लेता है। वो मूव्स बहुत परफेक्ट नहीं थे और ना ही वो बहुत ज़्यादा पॉलिश थे लेकिन वो कुछ नए थे कुछ हटके थे जो विभीषण के अपने थे। लवांग जी को बहुत बुरा लगता है कि वो ब्लाइंड है और वो नहीं देख पा रहा। लवांग जी जो है वो देख नहीं सकता था उसका बेस्ट फ्रेंड ने क्या ट्रिक की है और ना ही प्रेज कर सकता था उसकी ट्रिक्स को क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं पाता तो प्रेज किसे करता। उसकी आँखों में ये सैडनेस लैन चिचन भी देख पा रहे थे। लवांग जी को सच में विभूषण और उससे रिलेटेड हर चीज़ की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल की होती थी। लैन चिचन पूछते हैं विभूषण से कि क्या वो लवांग जी को भी ये मूव सिखा सकता है और विभूषण को तो क्या ही प्रॉब्लम होती। वो एकदम से बिना दोबारा सोचे ही हाँ कर देता है। लैन चिचन बहुत हैप्पी होते हैं। विभूषण लवांग जी को अपने हाथ से खींचता है और फटाफट से उसे अपनी बाहों में भरते हुए पीछे से और उसे ये मूव सिखाने लगता है। लवांग जी का हार्ट तो जैसे डांस ही कर रहा था। विभूषण ने उसे ये सब मूव सिखाया जो कि उसके अपने थे और बिना किसी हेजिटेशन के वो लवांग जी कोई चीज़ सिखाना चाहता था। विभूषण लंजा के छोटे से हाथों को अपने हाथों में लेता है और वुडन स्वॉर्ड से वो उसे वो ट्रिक सिखाता है। लंजा ब्लश करता है विभूषण के टच से। उसे बहुत अच्छा फील होता है कि वो कुछ नया उस लैन ओल्ड स्टाइल स्वर्ड उस बोरिंग सी लैन चीज़ों से वो हटकर कुछ नया कुछ अनोखा ट्राई कर रहा है। विभूषण लवांग जी प्रैक्टिस करते हैं घंटों तक उसी एक मूव को परफेक्ट और क्लीन करने में। विभूषण बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होता है हार्ड वर्क के लिए। लवांग जी भी बहुत
ऑबिडेंट सबॉर्डिनेट बन जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड की हर ट्रिक्स को लर्न करना चाहता है। विवजियन उसे कभी भी एक इनडिफरेंट पर्सन या इनकैपेबल पर्सन की तरह ट्रीट नहीं करता था और यही चीज़ लवांग जी को बहुत अच्छी लगती थी। वो बहुत घंटों तक ये प्रैक्टिस करते हैं और दोनों के दोनों एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लैन चिनचिन उनके लिए बहुत सारे फूड आइटम्स लाती है। विवजियन रिफ्यूज़ कर देता है इतनी ठंड में बाहर जाने से और वो अपनी ये मूव्स किसी को भी लैन ब्रदर्स के अलावा नहीं दिखाना चाहता था। विवजियन उन्हें फैमिली मेम्बर्स की तरह मानता था। लैन चिनचिन उनके लिए क्रीमी कैरेट टोमेटो कैप्सिकम सूप और कैरेट स्वीट डेजर्ट लेके आती हैं और ड्राई फ्रूट भी लेके आती हैं। स्पाइसी स्टफ्ड ब्रिंजल और पोटैटो फिलिंग, राइस ब्रेड और ना जाने कितने तरीके के खाने विवजियन और लवांग जी के लिए। वो लवांग जी के लिए तो लैन स्पिनच सूप लेके आती हैं और माइल्ड स्पाइसी सूप लेके आती हैं लवांग जी के लिए और विवजियन के लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी। दोनों के दोनों अपने खाने को ऐसे इंजॉय कर रहे होते हैं ना, उनके छोटे छोटे पेट फुल हो जाते हैं। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें। कोविड आ गया है गाइस, मास्क पहने और घरों में सेफ रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।